अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री सुनील पाटीदार के नेतृत्व में एबीवीपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा भारत सरकार की मां तुझे प्रणाम योजना अंतर्गत खिलाड़ियों छात्रों के चयन में गड़बड़ी का आरोप लगाकर खेल और युवा कल्याण विभाग की जिला कार्यालय पहुंच जमकर हंगामा किया गया। वहीं जिला खेल अधिकारी रूप सिंह कलेश के उपस्थित नहीं होने पर हाय हाय के नारे लगाए। वहीं जिला खेल अधिकारी के आने के बाद उन्हें चयन प्रक्रिया में चयनित छात्रों खिलाड़ियों के दस्तावेजों की पुनः जांच किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मामले को लेकर जिला खेल अधिकारी रूप सिंह कलेश ने बताया कि निर्धारित मापदंडों और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में चयन किया गया है। मांग हम यही करते हैं, सही उचित रूप से कार्रवाई हो, नहीं कार्रवाई उचित रूप से होती है तो हम सस्पेंड करने की रूप सिंह सर की बात करते हैं। कैसा सर व्यवहार है रूप सिंह कलेश जी सर का? बिल्कुल अभद्र व्यवहार है। रिस्पॉन्स देने के बाद भी नहीं करते वो, तीन तीन चार चार बार दौड़ चुके हैं, कुछ बोल देते हैं ऐसा करो वैसा करो, यहाँ वहाँ बहाने बनाते हर चीज के। आपने आरोप लगाया मां तुझे प्रणाम फर्जीवाड़ा हुआ जी, फर्जीवाड़ा मेरा स्वयं का फॉर्म भरा हुआ है, मेरे पास लिखित में प्रूफ है सर सब चीज के, हर एक चीज के। कितने बच्चे जिनके पास फर्जीवाड़ा किया? सर बहुत से बच्चे हैं। आपको होते सर मिलते कभी यहाँ ऑफिस में? कभी नहीं मिलते हैं, बहुत बहुत दिन आधे आधे दिन तक आते नहीं है, छुट्टी पे भी नहीं जाते, यहीं पे कई एप्लीकेशन नहीं देके जाते, कुछ नहीं, दिन भर खाली रहता है विभाग, केवल दो यहाँ पे कंप्यूटर वाले बैठते और एक वो जो चपड़ासी वही बैठते, दो ही जन बैठते यहाँ पे ऑफिस में, कोई नहीं आता है। क्या मांग करते हो आप? हम मांग करते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए जिला खेल अधिकारी पे और सही साठ सिलेक्शन पुनः सिलेक्शन किया जाए माँ तुझे प्रणाम के। रितेश कुमार विद्यार्थी परिषद से हूँ, एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए हैं यहाँ पे, विगत दिनों पहले माँ तुझे प्रणाम में सिलेक्शन हुआ छात्र छात्राओं का, उसमें संभागीय स्तरीय छात्र छात्राओं को लिया जाता है, वैसे ही कुछ छात्र छात्राओं का राज्य स्तरीय डॉक्यूमेंट थे, तो उन डॉक्यूमेंट पे उन बच्चों का सिलेक्शन ना हुआ, क्योंकि राज्य संभागीय स्तरीय से बड़ा होता है राज्य, तो उन बच्चों का सिलेक्शन होना था, 12 दिन का रहता है, देश की बॉर्डर पर घुमाने को लिए ले जाते हैं माँ तुझे प्रणाम में। तो विद्यार्थी आज इसी बात को लेके आए हुए सर के पास, करीबन 2 घंटे से बैठे छात्र छात्रा है, सर को बार बार कॉल कर रहे हैं और विभाग में जब आए विभाग में कोई मिला नहीं, अनुपस्थित है, विभाग पूरा खाली है, सर को फ़ोन लगा रहे हैं, सर बोल रहे हैं हम अवकाश पे है, इसी अवकाश का कोई यहाँ लिखित में है नहीं कि हम अवकाश पे है। उसके बाद भी करीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए, सर बोल रहे हैं आ रहा हूँ बाहर हूँ। तो विद्यार्थी परिषद यही चाह रहा है कि उस चीज़ की खोजबीन की जाए, जिन छात्राओं का एडमिशन नहीं हुआ माँ तुझे प्रणाम में, जिस हिसाब से फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, फिर से सिलेक्शन हुआ जाए। विद्यार्थी परिषद जब तक सर नहीं आते हैं तब तक विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठेगा, सर आएंगे तभी ज्ञापन देगा, आज नहीं आएंगे तो कल, कल नहीं आएंगे तो परसों, और विद्यार्थी परिषद ये विभाग में आंदोलन करेगा। यहाँ पे अगर सुनवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद रोड का चक्का जाम करेगा। जिला खेल अधिकारी बड़वानी, एबीपी वाले आए थे हंगामा किया, आप पे आरोप लगाए, क्या आरोप है उनके? ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। हमने जो सिलेक्शन किया माँ तुझे प्रणाम में, जितने भी आवेदन प्रत्येक ब्लॉक से जिले में आए सभी का परीक्षण किया, और उसके बाद समिति रहती है, समिति का अध्यक्ष कलेक्टर रहता है, उपाध्यक्ष SP साहब रहते हैं, और NSS NCC और मैं, इन लोगों के बीच में इनका पारदर्शिता के आधार पर चयन किया गया है इसमें। और जो बालक के विरोध में ये धरना दे रहा है वो बालक का राज्य स्तर पर विजेता है और इसकी सहभागिता है। क्या तो नाम है बालक का? उस बालक का नाम क्या है? ठिकरी वाला गौरव, गौरव नाम है, वो विजेता है स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे, और ये जो है ये भाग लिया है। तो भाई विजेता वाले को ही ले जाएंगे हम, हमारा उससे भी कहीं लेना नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं, हम तो पारदर्शिता से चयन किया है, उसमें कलेक्टर साहब SP साहब सभी लोग थे। हम तो आरोप भी लगा कि आप विभाग में मिलते नहीं हो? नहीं, हम तो कंटिन्यू आते भाई, ये मेरा कोई अधिकारी तो है नहीं, ये काय के लिए आता, कोई काम के लिए आए तो हम इससे मिले, नहीं तो मेरे से फ़ोन कर ले कि सर आप कहाँ हो। क्या योजना थी माँ तुझे प्रणाम? माँ तुझे प्रणाम क्या है, यहाँ से चयन होके बालक भी जाएंगे और बालिका, इसके बाद बालिका जाएंगे, क्योंकि बालिकाओं की तिथि अभी आई नहीं तारीख, इसके बाद ये पहला दल है जो है तनोत माता जाएंगे, राजस्थान के तनोत माता, वो कुल मिला के 1 सप्ताह का दौरा है, 2 दिन जाना 2 दिन आना, और दो दिन दौरे पे? ये सेना जो वहाँ बॉर्डर पे सेना जो काम करती, किस परिस्थिति में करती और कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाती देश के लिए, ये सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करके लाएंगे। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।